नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के संगम अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। लालकुआ एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्मैक तस्कर को 82 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश से सस्ते दामों में स्मैक खरीदकर लालकुआ हल्द्वानी के ग्रामीण इलाकों में महंगे दामों में बेचा करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यहाँ कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम हरबंश सिंह ने बताया कि स्मैक की तस्करी और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में शनिवार की रात्रि पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्लीपर फैक्ट्री को जाने वाले रास्ते के समीप ITBP कैंप के पास एक संदिग्ध युवक को रोककर उसकी तलाशी ली थी, जिसमें आरोपी के पास से पुलिस को 82 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी मिला था। जो हमारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसमें कल हमारे थाना लालकुआ और SOG टीम के संयुक्त अभियान में बाबू हसन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 82 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए है। और जो ये बाबू हसन है, ये लालकुआ का नगीना कॉलोनी का रहने वाला है। और जो हमारा पुलिस का अभियान है अवैध नशे के विरुद्ध और शराब के विरुद्ध, ये लगातार जारी रहेगा और आने वाले टाइम में भी और रिकवरी की जाएगी। इससे अभी पूछताछ की जा रही है और जो भी इसके स्रोत हैं उनको खंगाला जा रहा है। वही लगातार कई दिनों तक दिल्ली में चली मशक्कत के बाद शनिवार देर रात्रि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट सूची जारी कर दी है। पहली सूची में कुल 53 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। ऐसे में अगर जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा रुद्रपुर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करे हैं। वहीं रुद्रपुर से विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा ने कहा कि रुद्रपुर विधानसभा की सीट जीतकर मैं पार्टी के खाते में डालने का काम करूंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया रुद्रपुर 66 विधानसभा से। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। चाहे हमारी माननीय सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, देवेंद्र यादव जी हैं, हमारे हरीश रावत जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, गणेश गोदियाल जी हैं और तिलक राज बहेड़ जी हैं, यशपाल आर्या जी हैं, हमारे कांग्रेस के दीपिका पांडे जी हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे एक मध्यम वर्गीय और महिला पर भरोसा जताया है। उन्होंने मैंने जो नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए काम किया और लगातार उसके बाद भी 10 वर्ष जो पार्टी के लिए या पब्लिक के बीच में काम किया। वहीं पिरान क्लियर विधानसभा से हाजी फुरकान के नाम की घोषणा होने के बाद उन्होंने कांग्रेस आलाकमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि पार्टी ने उन्हें चौथी बार कांग्रेस सिंबल से नवाजा है। वह तीसरी बार भी पिरान क्लियर विधानसभा से कांग्रेस की सीट निकालकर उनकी झोली में डालने का काम करेंगे। विकास कार्य के आधार पर इस बार भी जनता उनको विधानसभा भेजेगी। वहीं पिरान क्लियर और खानपुर विधानसभा के प्रभारी मोहम्मद उस्मान ने भी कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार से देश की जनता ऊब चुकी है और उन्होंने दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। वहीं उन्होंने खानपुर विधानसभा से जल्द ही प्रत्याशी घोषित करने की बात कहते हुए बताया है कि खानपुर से दावेदारों की लंबी लिस्ट है, जिस कारण उचित निर्णय लेकर आज शाम तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, कांग्रेस के MLA तो सीट निकालेंगे और जहां पिछली मर्तबा हम लोग विधानसभा से चूक गए थे, जब पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीत पाए थे, इस मर्तबा उत्तराखंड के अंदर तमाम सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने जो जो वादे किए, डबल इंजन की सरकार, जैसे कि अभी फुरकान भाई ने, विधायक जी ने बताया, डबल इंजन की सरकार कह करके सत्ता में आए, उत्तराखंड के अंदर आए, लेकिन डबल इंजन दोनों साइड से फेल हुए, केंद्र सरकार के अंदर भी फेल हुए। किसानों के साथ जिस तरीके से बर्ताव हुआ उसको देखते हुए उत्तराखंड के अंदर तमाम कांग्रेस के जो विधायकगण, जो पार्टी प्रत्याशी उतारी, सभी लोग कांग्रेस के उम्मीदवार हम जीतने जा रहे हैं और दिल्ली और उत्तराखंड के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार पहले से भी ज़्यादा हमारी जीत होगी, क्योंकि जो BJP ने बड़े बड़े वादे किए थे आज वे सब वादे झूठ निकले। BJP ने वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई चरम सीमा पर है। BJP ने वादे किए थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम युवाओं को रोजगार देंगे, आज युवा सब बेरोजगार, डिग्री लिए हाथ में सड़कों पर फिर रहे हैं।
विधानसभा चुनाव निकट है, ऐसे में सभी पार्टियां धीरे धीरे अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही हैं, जिनमें किसी को टिकट मिल रहा है तो किसी को नहीं। ऐसे में कई नेता ऐसे हैं जो टिकट ना मिलने से नाराज हैं। इसी कड़ी में लक्सर विधानसभा पर टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ नेता श्यामवीर सैनी से बातचीत की है हमारे संवाददाता, इसको सुनिए। आज बात करेंगे लक्सर विधानसभा, जहां पर भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता का हर जगह विरोध चल रहा है। विरोध के चलते ही संजय गुप्ता दो बार के यहाँ भाजपा से विधायक भी हैं। पहले बार 2012 में अच्छे मार्जिन से नहीं जीत पाए थे, जबकि यहाँ पर जो सैनी समाज है, बाहुल्य सैनी समाज है, ओबीसी भी काफ़ी मतदाता हैं, लेकिन पहले भी यहाँ से जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं श्यामवीर सैनी जी, उनको भी पहले भी यहाँ प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका टिकट नहीं हो पाया था। इस बार भी श्यामवीर सैनी को पूरा आश्वासन था कि लक्सर विधानसभा से सैनी समाज, जो कि लक्सर विधानसभा में काफ़ी संख्या में है और इनका 3 विधानसभाओं में प्रभाव पड़ता है, वो लक्सर विधानसभा हो या कजर विधानसभा हो या हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा हो। इसी के साथ इस बार भी श्यामवीर सैनी के साथ पार्टी नेतृत्व द्वारा छल किया गया है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि जो श्यामवीर सैनी जी हैं काफ़ी लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और उनको हर बार पार्टी चुनाव के समय आकर धोखा दे देती है। आज श्यामवीर जी से जानना चाहेंगे कि इस बार भी उनको प्रत्याशी की तैयारी के लिए लक्सर विधानसभा पर भेजा गया था और ऐन वक्त पूर्व विधायक संजय गुप्ता का ही टिकट की घोषणा कर दी। श्यामवीर जी जानना चाहेंगे कि इस लक्सर विधानसभा को आप किस तरह से अब देखना चाहेंगे। श्यामवीर, भारतीय जनता पार्टी ने मुझको यहाँ पर 2009 में लगा गया था और ये डी ग्रेड की सीट से ए ग्रेड की सीट हो गई थी। यहाँ विकास के काम हुए, जन सामान्य ओबीसी समाज यहाँ भाजपा से जुड़ा, यहाँ सर्वाधिक ओबीसी बाहुल्य सीट है। ओबीसी में भी दलित और मुस्लिम के बाद तीसरे नंबर के जो समाज हैं, सैनी समाज है, कश्यप समाज है, बड़ी संख्या में सभी समाज है। और यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो 2007 में लाल ढंग से हारे थे, संजय गुप्ता जी बुरी तरह हारे थे। उनकी जिला पंचायत, वो 3 बार जिला पंचायत सदस्य उनके परिवार से रहे हैं और वो 2007 में वहाँ चुनाव हारे थे। हमारी मेहनत और जनता के जुड़ाव और विकास के काम जो हमारी सरकार ने किए थे उसके परिणाम स्वरूप 2012 में मेरा टिकट भले ही यहाँ से कट गया, मैं तो यहाँ 51% वोट लेता, लेकिन वो भी भारी बहुमत से, यानी कि 10,500 से अधिक मतों से यहाँ जीते थे। और 2012 के बाद 5 साल तक वो विधायक रहे। 2017 में आजू बाजू के सभी विधायक, सभी जनप्रतिनिधि 20,000 से 30,000 वोट का उन्होंने बढ़ोतरी की, लेकिन संजय गुप्ता के 1,000 वोट कम हुए, उनका जीत का अंतर भी कम हुआ, उनका वोट का जो मार्जिन था वो भी कम हुआ। उसके कई कारण हैं कि रुड़की के अंदर, लक्सर के अंदर यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज हुआ करता था और इनकी कर्मण्यता के कारण वो डिग्री कॉलेज खानपुर में चला गया और यहाँ की मंडी भी खानपुर चली गई। यहाँ पर कोई जो है अच्छा चिकित्सालय नहीं है, शिक्षा का स्थान नहीं है। ये रुड़की और हरिद्वार के बाद एक सर्वाधिक जो अच्छा स्थान यहाँ लक्सर है। यहाँ पर रेलवे जंक्शन भी है, यहाँ पर कनेक्टिविटी भी है और यहाँ दिल्ली से जाने के लिए रास्ता भी नज़दीक है और बद्रीनाथ जाने के वाया हरिद्वार भी है। यहाँ पर अच्छी फैक्ट्री होनी चाहिए, अच्छे विद्यालय होने चाहिए, सरकारी जो मोदी जी की जो एक मिशन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके तहत यहाँ राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज होना चाहिए और यहाँ 100 बेड का एक अस्पताल होना चाहिए। अगर मैं पार्टी ने मुझे मौका दिया, जो मुझे आश्वासन दिया गया है, मैं यहाँ पर ये सारे काम करूँगा और जो विकास की गंगा मोदी के नेतृत्व में उसे पुनः बहाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से ये कहना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का ही मैं कर्मठ सिपाही हूँ, लेकिन इस पर विचार करें, यहाँ की जनता के भावनाओं के अनुरूप इसका टिकट बदलें और मुझे सेवा करने का मौका दें, तो मैं समझता हूँ ये सीट दोबारा भारतीय जनता पार्टी का मिल जाएगी। अच्छा, श्यामवीर जी से आप कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान से भी आप कहेंगे कि टिकट बदला जाए, अगर किसी कारणवश अगर पार्टी टिकट नहीं चेंज करती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा?
लक्सर की जनता जो मुझे कहेगी मैं उस जनता के कहने के अनुसार चलूंगा। हमारे साथ में श्यामबीर जी, इनका साफ कहना है कि हाईकमान से दरखास्त की गई कि लक्सर विधानसभा से जिस प्रत्याशी का टिकट किया गया उसका टिकट चेंज किया जाए, नहीं तो जो क्षेत्रीय जनता है वो जनता श्यामबीर जी के साथ है, जो भी जनता का आदेश होगा उस पर श्यामबीर सैनी खड़े उतरेंगे। और हो सकता है कि अगर जनता ने इनको चुनाव लड़ाने को कहा तो श्यामबीर सैनी लक्सर विधानसभा से चुनाव भी लड़ सकते हैं। यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि पार्टी हाईकमान टिकट चेंज करती है या श्यामबीर सैनी जी चुनाव मैदान में निर्दल भी उतर सकते हैं। लक्सर से प्रवीण सैनी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो अब बात करेंगे चमोली के एक ऐसी विधानसभा की जहां पर भगवान बद्री विशाल की कृपा रहती है। उत्तराखंड बनने के बाद इस सीट पर 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। 2002 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने इस सीट को जीता था, मगर जीत का अंतर मात्र 991 वोट थे। कांग्रेस की ओर से अनुसुईया प्रसाद मुखुनी मैदान में थे, उन्होंने भाजपा के केदार सिंह फोनिया को हराया था। 2007 में भाजपा के केदार सिंह फोनिया ने कांग्रेस के अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को हराया था। सुनिए बद्रीनाथ विधानसभा की जनता क्या कुछ कहती है भाजपा और कांग्रेस के कामों को लेकर। मैं जब 2017 में मेरा निर्वाचन हुआ तो मेरा सबसे जो दूरस्थ है जोशीमठ विकास खंड है चाहे दसूरी है, ये मेरी विधानसभा के पूर्व में जब मैं मंत्री था तो मेरा अंग नहीं था। और जब मैं विधायक चुनकर आया तो मैंने अपनी प्राथमिकता सड़कों को रखा। और आज मैं कह सकता हूँ कि लगभग जोशीमठ हो चाहे दसूरी ब्लॉक हो चाहे पोखरी ब्लॉक हो, हमने अधिकतर गाँवों को सड़क से जोड़ा है। 400 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि अकेली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के तहत लाया और 65 करोड़ रुपया मैं PWD के माध्यम से सड़कों के लाया हूँ। और जो सड़कें कच्ची थी उनको हमने डामरीकृत किया है, जो संपर्क मार्ग थे उनको ठीक किया है। और आज मैं कह सकता हूँ कि सड़क के क्षेत्र में जो लोगों की बहुत, चाहे द्विंग तपोड़ का क्षेत्र हो, चाहे आपका उर्गम घाटी का क्षेत्र हो, चाहे आपका तपोवन के ऊपर का पल्ला जो खोला का क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों को हमने सड़क से जोड़ा है। गोपेश्वर के आसपास के नगर तो थे, जुड़े हुए थे गोपेश्वर से, लेकिन उन गाँव में सड़कें नहीं थी, हम सब जगह सड़क दी है। दूसरा था हमारा शिक्षा क्षेत्र। आज मैं कह सकता हूँ लगभग 5 साल पहले कोरोना में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन ऐसा कोई इंटर कॉलेज नहीं रहा होगा जहाँ हमने अध्यापकों की पूर्ति नहीं की हो। इस सरकार ने, इस सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों ने, प्रतिनिधियों ने कौन सी रोड बनाई पहले ये तो बताएं, कौन सा संस्थान खोला, कौन से विकास के कार्यक्रम कराए इन्होंने पहले जनपद चमोली उत्तराखंड के अंदर बताए ना। ये तो केवल तमाशबीन लोग हैं, ये लोगों को सपने दिखाने वाले लोग हैं और ये धरातल पर करने वाले लोग नहीं हैं। जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में राजनीति करेंगे वो विकास करेंगे क्या? उनके एजेंडे में विकास है क्या? हाँ, इनका विकास है पूरे हिंदुस्तान का पैसा लेकर के अपने कार्यालय बना दिए हैं, मल्टी स्टोरी बना दिए हैं, 5-स्टार फैसिलिटी के अपने कार्यालय बना दिए हैं। विकास क्या हुआ है? कहते हैं मैंने सड़कों का जाल बिछा दिया। जितनी सड़कें आज कट रही है वो सारी सड़कों के शासनादेश हमने करे हुए हैं, कांग्रेस ने करे हुए हैं। और कांग्रेस के कार्यकाल के सड़कों को काट करके अपना नाम लगाना, अपना शिलापट लगाना, अपने द्वारा वाहवाही करवाना और खुद ही ताली पीटना, जनता तो कोई ताली पीट नहीं रही है क्योंकि समय अब जाने का हो गया है, बीजेपी का जहाज डूबने वाला है, तो खुद ही ताली बजाओ, खुद ही खड़े हो जाओ, 4 आदमी गाड़ी में भर के लाओ और 4 आदमी ताली बजाओ और 2 आदमी यहाँ से कुर्सी में बैठ करके जो है पढ़ो, शिलापट का उद्घाटन करो, ये कार्यक्रम चल रहा है। अरे अगर आप इतना काम करने वाले थे तो घोषणा अब क्यों कर रही है? अब तुम्हारा जहाज डूबने वाला है, 5 साल से क्यों नहीं घोषणा की? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती को प्रेस क्लब दिनेशपुर ने क्रांति दिवस के रूप में मनाया। प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी एवं सभी सदस्यों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर हृदय से भावपूर्ण उनको नमन किया। इस पर संरक्षक सरोज मंडल जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि नेताजी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, 14 बड़े देशों वाले
देशों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत का प्रथम प्रधानमंत्री स्वीकार किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासक से आजाद हिंद फौज का गठन कर शास्त्र आजादी की लड़ाई लड़कर भारत के कई राज्यों को आजाद कर तिरंगा लहराया। कुछ षड्यंत्रकारियों ने नेताजी के अज्ञातवास में रहने को मजबूर कर दिया था। नेताजी सुभाष की जयंती पर प्रेस क्लब ने सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों एवं नगर की सभी सम्मानित जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। देशभक्त और देश के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आज ही हमारे प्रेस क्लब दिनेशपुर के सभी सम्मानित सदस्यों ने मनाई है यहाँ पे, और उन्होंने सबने पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें जो है नमन किया। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के अमर सपूत थे और उन्होंने आज़ादी के लिए सशस्त्र क्रांति की थी। एक तरफ गांधी जी आंदोलन चला रहे थे, वो अहिंसक आंदोलन था, लेकिन अंग्रेज इससे बाज नहीं आ रहे थे। वहीं दर्शकों, बीती देर रात जारी की गई कांग्रेस की लिस्ट के बाद काशीपुर कांग्रेस में मची ऊहापोह की स्थिति पर अंकुश पा लिया गया है। पूर्व सांसद केसी सिंह बावा के निवास पर आज कांग्रेस परिवार का जमावड़ा जुटा, जिसमें कांग्रेस के प्रमुख दावेदार रहे महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल और मनोज जोशी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने काशीपुर कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र चंद्र सिंह बावा के समर्थन में एक साथ खड़े नजर आए। जहां मीडिया से बात करते हुए कांग्रेसी प्रत्याशी नरेंद्र चंद्र सिंह बावा ने कहा कि कांग्रेस में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी और असंतोष नहीं है, हम मजबूती से चुनाव में उतरेंगे और काशीपुर का किला फतेह करेंगे। इस दौरान महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल और मनोज जोशी ने भी एकजुटता का परिचय देते हुए कहा कि इस बार काशीपुर में जो कांग्रेस के लिए सूखा बना हुआ है उसे समाप्त कर जीत का परचम लहराया जाएगा। अब उसी की तो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अभी कांग्रेस पार्टी में ठीक नहीं हुआ था वो ठीक हो, उसके लिए संदीप भैया सालों से लगे पड़े हैं और सब मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को उठा रहे हैं, और अब मौका आया है तो देखते हैं कैसा जाता है। श्री नरेंद्र जी को जो टिकट मिला है वो काशीपुर के भविष्य की आकांक्षाओं को देख करके किया है। काशीपुर का भविष्य और काशीपुर का वर्तमान सुधारने की बहुत आवश्यकता है, और कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि नौजवान, युवा, शिक्षित नवयुवक के हाथों में काशीपुर की बागडोर हम सौंपने जा रही है कांग्रेस पार्टी। असंतोष कहाँ था, रात तो टिकट डिक्लेयर हुआ है भाई, और केसी सिंह बाबा जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मेरे अभिभावक हैं, बचपन से जब से मैंने आंख खोली उनके सानिध्य में अपने को। आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष शाकिर अली की अध्यक्षता में बैठक कर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भुवन के पक्ष में चलाए जा रहे प्रचार अभियान की रणनीति पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी के इस बैठक में उपस्थित आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा आम आदमी पार्टी के पक्ष में जनता में सकारात्मक माहौल है। रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने जखोली ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपलियाल पर भरोसा जताया है। थपलियाल ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बगावत कर प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ा था, जिस कारण कांग्रेस में फूट पड़ गई और प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। चुनाव हारने के बाद पुनः थपलियाल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जिसका फायदा उन्हें इस बार मिला है। कांग्रेस ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा, मातबर सिंह कंडारी, अंकुर रौड़ाथ सहित अन्य दावेदारों को किनारे कर बागी चुनाव लड़े प्रदीप थपलियाल पर दांव खेला है। उन्हें टिकट मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। नैनीताल में विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, समयबद्ध तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्भलयाल ने कहा है कि सभी मतदान कर्मी दिए जा रहे प्रशिक्षण को ध्यान से सुने, ईवीएम और हैंडसेप्स को अच्छी तरह कर लें ताकि गलती की गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि सभी मतदान अधिकारी कर्मठता, निष्पक्षता, पारदर्शिता व शालीनता से कार्य कर मतदान करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही मतदान अधिकारी मतदान दिवस के दिन मतदान से पूर्व मॉक पोल अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगे व निर्धारित समय से मतदान प्रारंभ करेंगे। दर्शकों, इन दिनों लगातार दल बदल की राजनीति हो रही है, ऐसे में हमने जनता से जानने की कोशिश की कि उनकी राय क्या है, इलेक्शन आते ही क्यों नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में रवाना हो जाते हैं। सुनिए जनता ने क्या कुछ कहा। लोगों से बातचीत करने हम पहुंच चुके हैं राजधानी में, तो अब और लोगों से जो हमने बात करनी थी, तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी उसी बीच कि दल बदल की राजनीति से
पहले आप क्या समझते हैं? ये दल बदल की राजनीति है जो ना, ये नेता सही नहीं कर रही है। दल बदल के मतलब कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, तो ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन आते हुए, जैसे ही इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन की डेट करीब आ जाती है, तब ये राजनेताओं का एक पार्टी से दूसरा पार्टी में जाना, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या मेन मकसद हो सकता है? मेन मकसद यही है कि ये आपस में एक दूसरे को बहकाते हैं कि तुम इधर आ जाओ तो हम ये कर देंगे, तुम इधर आ जाओ हम ये कर देंगे, इसी वजह से जाते हैं। और इन सबसे परे अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि आप उत्तराखंड में इस वक्त मौजूद है, राजधानी में मौजूद हैं, तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है? यहाँ पे कोई खास ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। पहले तो कुछ मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, अब ये जो आए ये थोड़ा करवा रहे हैं बस। तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसको आप जिताएंगे? इस बार जो मेरा ख्याल है जहाँ तक बीजेपी आएगी। और आप किसे वोट देंगे? बीजेपी को देंगे हम। बीजेपी क्यों? ये कांग्रेस दल बदल देते हैं ना इधर उधर, तो बीजेपी ठीक है वैसे। पर कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत की बात की जाए तो वो बीजेपी से ही कांग्रेस में जा रहे हैं, और अब कांग्रेस में उन्हें जगह नहीं मिल रही, तो शायद वो कहीं ना कहीं फिर बीजेपी में आएंगे, तो किस मुंह से आएंगे? आपको क्या लगता है कि बीजेपी में भी तो राजनेता उलट पुलट कर रहे हैं? ये कांग्रेस में उन्हें सोनिया गांधी मना कर रही है ऐसे सुना है, तो इसलिए वो फिर वापसी बीजेपी में होगी उनकी। तो आपके हिसाब से आप क्या सोच रखते हैं कि हरक सिंह रावत फिर बीजेपी में आएंगे तो किस मुंह से आएंगे? हरक सिंह रावत बीजेपी में आएंगे कुछ सोच विचार के ही आएंगे, इंसल्ट तो हो ही गई है उनकी जो होनी थी बस, और क्या बोलूं मैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं अगर हरक सिंह रावत भी वापस बीजेपी में वापसी करते हैं या फिर जो भी राजनेता अदला बदली करते हैं, तो उनकी सर्ट तो अच्छी खासी होती है, पर लगातार जो राजनेताओं का दल बदल होना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए हानिकारक हो सकता है, और कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी उनकी काफ़ी ज़्यादा सोच क्लियर कर रहा है। तो इसके अलावा हम और लोगों से भी जान लेते हैं कि वो इस पर क्या सोच रखते हैं कि राजनेता दल बदल करना सही है या गलत है, और पार्टी को उन्हें टिकट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बदल की राजनीति से आप क्या समझते हैं? देखो क्या है कि जिसको टिकट नहीं मिला वही दल बदल लेता है। अब कोई पुरानी उसके लिए जो पार्टियों में एक फेथफुलनेस होती थी, सिंसियरिटी होती थी, वो तो रही नहीं है। एवरीबडी वांट टू अर्न, है ना, आइदर दिस वे और दैट वे। तो वो इस वजह से जिसको टिकट नहीं मिला उसने उठाया, दूसरे दल को बना लिया। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये दल बदल की राजनीति से जनता को नुकसान हो रहा है या फिर राजनेताओं को नुकसान हो रहा है? अभी पिछले बार कांग्रेस के वो थे, वो दे जम्प्ड इनटू बीजेपी, अब वो सब के सब जो है फिर से भाग रहे हैं बीजेपी को छोड़ के, तो ये तो उनका अब मॉरल रहा ही नहीं ना। द लीडर्स हैव नो मॉरल एट ऑल। आप कहीं ना कहीं ये इस बात से समझ रहे होंगे साफ तौर पर, आप हरक सिंह रावत की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं? नहीं, ऑल वो उमेश काऊ हो गए, हरक सिंह हो गए, और कहना चाहिए बतेरे हैं, देर आर सो मैनी इन द क्यू। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो दल बदल की राजनीति है, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, तो केवल एक लाइन में सारे पॉलिटिशियन को वो बना सकता हूँ, चोर चोर मुसेरे भाई। तो इस चोर दे आर कांग्रेस और बीजेपी, एवरीबडी वांट टू अर्न ऑन द कहना चाहिए कॉस्ट ऑफ जनरल पीपल। तो चोर चोर मोसेरे भाई, तो इनके कहीं आप एग्जांपल दे सकते हैं मुझे, कौन है इनमें से? देखिए सारे ही बीजेपी के, वो देख लीजिए, दो साल पहले जो साइकिल पे चल रहे थे आज उन पे 25 लाख की कार है, कहाँ से आ गई? यू जस्ट आस्क वेयर एक सिंसियर आदमी एक दो साल में स्कूटी नहीं ले पाता, ये 25-25, 50-50 लाख की कार ले लेते हैं, तो वेयर दैट कम मनी कम फ्रॉम? आपको क्या लगता है इनके पास इतना पैसा आता कैसे है? आता कैसे है? गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं आधीन की जी, सड़क बन रही है उसमें तार कोल मत डालो, कोई वो कंस्ट्रक्शन है सीमेंट मत डालो, अपने यारों को अपने सारे उन्हें दे दो,
isn't it so? पर आपको क्या लगता है कि इस दल बदल की राजनीति के बीच कौन सी सरकार इस बार सत्ता में बाजी मार जाएगी? देखो, सत्ता में तो जब तक मोदी जी हैं, नो वन कैन डिफीट हिम, बीजेपी विल स्टैंड देयर। पर मोदी जी का आप बड़ा नाम ले रहे हैं, तो मोदी जी क्यों? ही इज द ओनली पर्सन, ही एज वेल एज यू मे से अमित शाह, दोज आर द स्टिल दे आर वेरी यू मे से ईमानदार, ऑनेस्ट पीपल। तो आप मतलब इस बीजेपी का चेहरा में मोदी जी को देखकर अब वोट देंगे? मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मोदी जी शुड बी प्रेसिडेंट। जब वो प्रेसिडेंट बन जाएं और सेक्रेटरिएट नीचे हो, तब ये देश अपने आप ही डेवलप्ड हो जाएगा। जी धन्यवाद आपका। कि इनका साफ तौर पर मानना है कि अगर मोदी जी पूरी बीजेपी की कमान संभालेंगे, देश की कमान संभालेंगे, तो कहीं ना कहीं देश का विकास हो सकता है। इसके अलावा जी उन्होंने कहा था, हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे, व्हाट्स हिज नेम, कि इंडिया शुड हैव प्रेसिडेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, नॉट द पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में हर एक खा रहा है, प्रेसिडेंट में कम से कम 5 साल के लिए वो तो है, इंटैक्ट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी शुड कम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही लाइक द अमेरिकन गवर्नमेंट। तो आपको क्या लगता है कि अगर मोदी जी के जो नेतृत्व में काम चल रहा है, विकास कार्य चल रहे हैं देश के अलग अलग कोनों में, तो उत्तराखंड में आपको क्या लगता है मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बढ़िया काम जो यहाँ पर हुआ है उत्तराखंड? देखिए, क्या है कि मोदी जी की जो सेंटर स्कीम्स हैं उनमें तो है, लेकिन जो लोकल हैं यहाँ कौन पूछ रहा है? तो जैसा कि इन्होंने बताया, हम और लोगों से भी जानते हैं कि सच में क्या राजनीति। जी एग्जाम्पल देने वाले हैं आप। तो पिछले 3 साल में 4 साल में प्रॉपर्टी टैक्स 4 गुना कर दिया जी, है ना, 4 times। उसके ऊपर हमारे जो मेयर हैं वो हैं, उन्होंने 2-4 वो लगा दी टाइलें, बीच में वो तोड़ के वो लगा दिया। इजंट इट द वेस्टेज ऑफ मनी, इट इज द वेस्टेज ऑफ मनी। कहना चाहिए टैक्स पेयर का जो मनी है वही अपनी जेब में रखने के कारण ऐसे काम कर। फिलहाल के लिए उस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।